तो हाँ, आज कुछ तूफानी करते हैं। सो हाउ टू शूट एंड एडिट अ लाइव एक्शन वीडियो और एक्चुअली अ गन फायरिंग सीन विद ओनली यू एंड योर स्मार्टफोन। चलो देखते हैं। तो ये सब एडिटिंग हम आफ्टर इफेक्ट्स में करने वाले हैं, जिसमें हम एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं शूट की। कर दिया। अबे उस शूट की नहीं, इस शूट की। अच्छा, तो एक सिनेमैटिक एक्शन सीन क्रिएट करना, वो भी एक स्मार्टफोन से लिए गए वीडियो में, काफ़ी टफ चैलेंज है, क्योंकि स्मार्टफोन का कैमरा अपने अंदर इतनी लाइट नहीं ले पाता, जिससे फुटेज ग्रेनी एंड शार्प आती है। और 12,000 के मोबाइल में क्या ही मिलेगा। तो मैं ये सब क्रिएशन आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट में ही क्रिएट होते हैं, इसलिए आपको भी आफ्टर इफेक्ट में ही क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स टर्न द नॉर्मल फुटेज इनटू द सिनेमैटिक फुटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें अपना सेटअप रेडी करके शूट कर लेना है एज पर यूअर सीन। लाइक मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज की थी, मेरा मतलब मैं हर बार वही यूज करता हूँ। सो दैट्स ऑल, ये मेरा वीडियो रेडी है। अब बढ़ते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की ओर, द एक्चुअल एंड मेन स्टेप। सो हियर वी आर इन द आफ्टर इफेक्ट, जहां हम क्रिएट करने वाले एक नॉर्मल फुटेज को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस में। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर इस वीडियो में मेरी आवाज़ अटकती है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बाकी कुछ नहीं। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये वो फुटेज है जो मैंने शूट किए थे अपने रूम में ऑन अ ग्रीन स्क्रीन। ये रॉ फुटेज है जो मैंने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किए थे, और मैं ये फाइनल वाली, मतलब ये लास्ट वाली फुटेज ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सो ये है वो फुटेज जो मैंने शूट किया था अपने रूम में ऑन अ ग्रीन स्क्रीन। तो हम इसी में से वो वीडियो बनाने वाले हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे एडिट करूँगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि एक सिनेमैटिक लुक कैसे अचीव करें विद आफ्टर इफेक्ट्स। तो मैं पूरे वीडियो को तो एडिट करके नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं मेरी फुटेज आफ्टर इफेक्ट में इम्पोर्ट कर रहा हूँ एंड इसे रीनेम कर देता हूँ लाइक सनी रॉ, ठीक है। सो मैं यहाँ एक कॉम्प क्रिएट कर रहा हूँ मेरे इस वीडियो से, एंड हियर इट इज़। और इसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कर लीजिए। और हाँ, मेरी सबसे बड़ी आपको एडवाइस है कि जब भी आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ करो तो अपने वर्क को, अपने आफ्टर इफेक्ट कॉम्प को हमेशा सेव करते रहो। सेव ऑटो सेव, सेव एज, सेव अ कॉपी, कुछ भी बट करते रहो, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट बहुत बार क्रैश हो जाता है, इसलिए। तो आपका अगर जो आपने काम किया है वो लॉस्ट ना हो जाए, वो अगर ख़राब ना हो, इसलिए अपने काम को सेव करते रहो। सो मैं यहाँ उसे सेव करता हूँ एज अ सनी गन फायरिंग। ओके, सो ये मैंने मेरा कॉम्प सेव कर लिया। तो अब ये रहा वो फुटेज ग्रीन स्क्रीन का जो मैंने शूट किया था। तो मैं इसे पूरा तो नहीं लेने वाला, क्योंकि ये 2 मिनट मतलब बहुत बड़ा वीडियो है, बट मैं इसे, सो मैं मेरे फुटेज को यहाँ से कट करूँगा
एंड इसे आगे ला लूँगा ज़ीरो पे, मतलब हमारा यहाँ से टाइमलाइन शुरू हो रहा है इसलिए। एंड सो अब मेरी टोटल फुटेज हो गई 14 सेकंड की। सो कॉम को ट्रिम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बी एंड एन। सो अगर आपको लेफ़्ट साइड से कट करना है तो बी, एंड राइट साइड से कट करना है तो एन शॉर्टकट की। सो ये तो हमारा टोटल आगे से ही रहेगा, बट हमें यहाँ तक कॉम ट्रिम करना है तो एन, ठीक है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेम बाय फ्रेम एंड ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो अब हमारा वर्क एरिया हो चुका है इतना जहाँ तक हमने ट्रिम किया था। सेव एज ऑलवेज एंड नाउ हियर इज आवर वीडियो, ठीक है। एंड अब जो करना है हमें वो है, सो ये देखिए आप देख सकते हो ये बहुत ग्रेनी फुटेज है, हालांकि मेरा रिजोल्यूशन फुल है फिर भी, क्योंकि ये स्मार्टफोन से लिया है। बट कुछ टेक्निक्स है हम जिसे अप्लाई करके इसे और सुधार सकते हैं, मतलब ग्रेन हटा सकते हैं और इसे और इन्हांस कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि ये स्मार्टफोन से लिया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, तो इससे ध्यान से देखना। और अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, नो मैटर। सो दैट्स ऑल। सो ये वो फुटेज जो थोड़ी ग्रेनी है बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन। और अब हमें करना है द मेन पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज ग्रीन स्क्रीन रिमूवल स्टेप। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के पहले हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे इसके कलर्स में। सो कलर्स लेने के लिए सिंपली क्लिक ऑन योर लेयर एंड प्रेस कंट्रोल स्पेस। तो ये वीडियो कोपायलट का एक प्लगइन है जिससे एक शॉर्टकट है बेसिकली, जिससे आप कोई भी इफेक्ट डायरेक्ट टाइप करके इनपुट कर सकते हो। सो या तो मैं यहाँ ले रहा हूँ ल्यूमेट्री इफेक्ट, ओके सॉरी ल्यूमेट्री कलर। या अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है तो सिंपली आप इफेक्ट्स में जाइए एंड कलर करेक्शन एंड ल्यूमेट्री कलर सिंपली, दैट्स ऑल। सो यहाँ मैं थोड़े हाईलाइट कम करूँगा जिससे ज़्यादा हार्श लाइट स्मूथ हो जाए, एंड शैडो को थोड़ा बड़ा दूंगा बिकॉज ऑफ ग्रीन स्क्रीन, एंड थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा मे बी 10। सो बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस हाईलाइट एंड शैडो में एडजस्टमेंट करना है एंड उसके बाद सीधा ग्रीन स्क्रीन रिमूवल पार्ट। सो अब मुझे करना है इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव। सो उसके लिए एक प्लगइन है जो कि है की लाइट। सो ये ला लिया हमने हमारा की लाइट। तो उसके बाद मैं यहाँ मास्क कर रहा हूँ मेरे फुटेज को, जिससे उस एरिया का ही मैं पार्ट ले रहा हूँ जहाँ जहाँ ग्रीन स्क्रीन मैंने यूज़ किया है। सो ठीक है, ये रहा वो मास्किंग पार्ट ऑफ माय वीडियो। सो मैंने इसमें सिर्फ ग्रीन स्क्रीन रखी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना जाए और हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो इन की लाइट टेक योर सैंपल ऑफ ग्रीन कलर। सो ये हो गए हमारे ग्रीन स्क्रीन रिमूव, बट अभी ये टोटली रिमूव नहीं हुई है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन गेन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जो 100 पे सेट है, तो आपको उसे एडजस्ट करना है एज़ पर योर ग्रीन स्क्रीन शूट। सो 125 या 130 मुझे बेस्ट लग रहा है मेरे सीन में ग्रीन स्क्रीन या जो ये सफ़ेद मार्क्स थे वो हटाने के लिए, ठीक है। तो अब चले जाना है आपको स्क्रीन मैट में, यहाँ से स्क्रीन मैट एंड नाउ। सो इन स्क्रीन मैट सेक्शन आपको क्लिप ब्लैक अमाउंट को बढ़ाना है जब तक कि ये वाइट पैचेस चले ना जाए, आपको इसे बढ़ाना है, ओके। तो यहाँ कोई वाइट पैच नहीं है एंड उसके बाद जो क्लिप वाइट का सेक्शन है अमाउंट है उसे
कम करना है, जिससे हमारा कैरेक्टर टोटली मास्क आउट हो जाएगा। सो बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ छेड़खानी मत करना ग्रीन स्क्रीन से। एज़ पर योर सीन, मेरे सीन में तो जल्दी से ही, मतलब मेरे सीन में बस इतने ही एडजस्टमेंट से मैंने मेरी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दी है। एंड उसके बाद अब जाना है आपको फाइनल रिजल्ट पे। तो ये मेरी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है, एंड ये आप जो देख रहे हैं इसके वाइट एजेस। तो यहाँ से आप श्रिंक एंड ग्लो में माइनस में जा सकते हैं, जिससे वो गायब हो जाएंगे। एंड सॉफ्टनेस को बढ़ा सकते हैं, बेसिकली टू ही बहुत है, ज़्यादा मत बढ़ाएगा नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो हियर वी रिमूव आवर ग्रीन स्क्रीन विथ की लाइट। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव योर कॉम्प। ओके, तो मुझे बेस्ट लग रहा है मेरा ये रिजल्ट। अगर आपके सीन में या आपके वीडियो में कहीं ग्रीन स्क्रीन होता है तो उसे और एडजस्ट करके देखिए की लाइट प्लगइन में, जिससे कोई वाइट पैच या ऑकवर्ड सा पैच ना रहे आपके वीडियो में, जिससे आपकी ग्रीन स्क्रीन कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव। सो अब मैं इस लेयर को कर दे रहा हूँ प्री कॉम्प, लाइक राइट क्लिक, प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू अ न्यू कंपोजिशन, सनी रॉ कॉम्पॉन। सो मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है। एंड ओके, तो यहाँ मैंने मेरे पूरे वीडियो का जो एडजस्टमेंट किए थे, वहाँ मैंने पूरा वीडियो को एक सेपरेट लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। सो आपको अगर कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो इस कंपोजिशन को डबल क्लिक कीजिए, आप वहाँ आ जाओगे और यहाँ से आप एडजस्टमेंट करके अपने वीडियो को सुधार सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, सो लेट्स बैक टू द मेन कॉम्प। सो अब यहाँ हमें अचीव करना है वो सिनेमैटिक लुक, या क्रिएट करना है वो सिनेमैटिक लुक, जिससे ना लगे कि ये वीडियो स्मार्टफोन से लिया है। एंड या लेट्स सी सम टेक्निक्स। सो मैं एक बैकग्राउंड लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, टोटल ब्लैक नहीं, बस थोड़ा सा ब्लैक से ऊपर, थोड़ा ग्रेश, जिससे जब हम कलर करेक्शन करें तो ब्लैक लेयर, बैकग्राउंड लेयर एंड मेन हमारी लेयर वीडियो की, वो मिक्सअप हो जाए। सो हियर आई गेट बैकग्राउंड लेयर दैट नॉट कम्प्लीटली ब्लैक बट ग्रेइश, लिटिल बिट ग्रेइश। ओके, सो हियर आर द रिजल्ट। सो अब है मेन चीज़ हमारे कैरेक्टर को इन्हांस करना, जिससे वो ना लगे कि स्मार्टफोन से लिया है, या हम उस पर का ग्रेन या जो शार्पनेस है वो हटा सकें। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारे कैरेक्टर को, हमारे मेन वीडियो को इन्हांस विथ सम टेक्निक्स, जिससे ये ग्रेनी ना लगे और थोड़ी शार्प दिखे, जिससे एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट हो। ओके, सो सबसे पहले तो हमें हमारे मेन लेयर पे, मतलब जो मेरी ये लेयर है, उस पर वर्क करना है, जिससे हम उसका थोड़ा शार्पनेस या ग्रेन हटा सकें। तो सबसे पहले जो मैं करता हूँ वो होता है रिमूव ग्रेन, या आप यूज़ कर सकते हो ब्यूटी बॉक्स, पर सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ ल्यूमेट्री कलर। सो फॉर दैट गो इफेक्ट्स, कलर करेक्शन एंड ल्यूमेट्री कलर। ओके, सो यहाँ तो देखो, सिनेमैटिक लुक अचीव करने के लिए आप आफ्टर इफेक्ट तो यूज़ करते हो, बट आफ्टर इफेक्ट के पहले आपके दिमाग में ही वो सिनेमैटिक लुक क्रिएट होना चाहिए कि आप कैसा लुक क्रिएट करना चाहते हो अपने वीडियो में। ठीक है, तो मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा वार्म के इधर बढ़ा रहा हूँ, वार्म कर रहा हूँ, एंड जो टिंट है वो माइनस में ले रहा हूँ, जिससे थोड़ा ये ग्रीनिश दिखे। ठीक है, सो हाईलाइट थोड़े कम, एंड उसके बाद आपको चले जाना है HSL सेकेंडरी, द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, लिटिल मेन पार्ट। सो कीज, रिफाइन एंड करेक्शन, कलर व्हील का पैनल खोल लेना है एंड सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ तीनों व्हील सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं की में, की सेक्शन में।
तो सबसे पहले आपको सेट कलर करना है कि आप कौन सा कलर सेट करना चाहते हैं। मतलब हम जो हमारे स्किन कलर है वार्म कलर, उसे सॉफ्ट करेंगे और ब्राइट करेंगे। सो गेट द सैम्पल पिकर, कलर पिकर एंड क्लिक हियर योर स्किन ऑन योर स्किन एंड हियर द HSL स्लाइडर्स। क्लिक कीजिए ये शो मास्क पे, जिससे आपका वो कलर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज सेव योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ से आपको एडजस्टमेंट करके आपका कलर फुल सेट कर लेना है। एडजस्टमेंट करके आपको अपने स्किन कलर का फुल सैम्पल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने मेरा वो टोटल स्किन कलर का सैम्पल ले लिया है। एंड हियर इन नेक्स्ट पार्ट डीनॉइज एंड ब्लर, तो आपको थोड़ा डीनॉइज करना है एंड ब्लर आपको डीनॉइज से थोड़ा ज़्यादा करना है, जिससे ये शार्प ना लगे। ठीक है, तो मैंने ये मेरा जो स्किन कलर है वो सिलेक्ट कर लिया है। देन आप अब शो मास्क पे से अनक्लिक कर सकते हो, जिससे आपका टोटल वीडियो आ जाएगा। एंड अब है मेन चीज़, हाउ टू इन्हांस योर स्किन कलर। सो यहाँ मैं हाईलाइट को थोड़ा कम कर रहा हूँ एंड मिड टोन, ये जो मिड टोन है उसे उठा रहा हूँ, उसे ब्राइट कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा शेडोज़ को कम कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने थोड़ा हाईलाइट को उठा लिया है एंड मिड, तो यहाँ से आपको मिड टोन को इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, जिससे आपका स्किन कलर थोड़ा इम्प्रूव हो। ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ टेम्परेचर जो है, मैं टेम्परेचर को यहाँ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारा स्किन कलर थोड़ा सा वार्म हो जाए। लेट्स सी, 5, 5 इज़ दी करेक्ट। सो यहाँ मैंने मिड टोन को उठा दिया है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सेव दी कॉम्प। सो ये हो गया हमारा कलर करेक्शन, बेसिक कलर करेक्शन। अभी हमने फाइनल कलर करेक्शन नहीं किया है, तो ये देखो फ़र्क। सो दिस इज़ द बेसिक कलर करेक्शन टू अचीव द सिनेमैटिक लुक। सो देखो इतने ही इससे हमारा कैरेक्टर कितना इन्हांस हो गया, बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि टोटली इन्हांस हो गया। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट है द नेक्स्ट प्लगइन, जो कि है हमारा मेन प्लगइन, जिससे हम हमारे ग्रेन को हटा सकते हैं, तो वो है ब्यूटी बॉक्स। सो ब्यूटी बॉक्स, सो अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्री टू यूज़ है, फ्री टू इंस्टॉल है, इंस्टॉल कर लेना एंड यूज़ कर सकते हो। सो क्लिक हियर, गेट द ब्यूटी बॉक्स। सो हियर इज़ द मैजिक हैपन, ऑल द ग्रेन्स एंड शार्पनेस हैज़ गॉन एंड आवर वीडियो लुक लाइक सॉफ्ट, आवर वीडियो लुक लाइक अ सॉफ्ट, और ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे, हाँ इसमें इतना भी सुधार नहीं आया है कि ये टोटली कैमरे का लगे, बट हाँ इतना तो सुधार आया ही है कि ये स्मार्टफोन का ना लगे, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो बट हमने इसे कुछ ज़्यादा ही स्मूदिंग अमाउंट दे दिया है, इतना स्मूद नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से प्रीसेट में जाते हैं एंड स्मूथ स्किन लाइट। ठीक है, सो हियर इज द बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। सो यही हमने एक सिनेमैटिक लुक का, मतलब हमारे जो स्मार्टफोन के फुटेज का इन्हांसमेंट किया है। सो ये रहा हमारा स्मार्टफोन के फुटेज का इन्हांसमेंट। अभी ये पूरी तरह हमने नहीं किया है, बट ये बेसिक इन्हांसमेंट है जो आप कर सकते हो विद सम टेक्निक्स। हियर आई टेल यू, सो हियर इज़ द मैजिक हैपन, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ओके, सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिससे हम टोटली सिनेमैटिक लुक अचीव करने वाले हैं। सो मैं एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ। सो गो इन द लेयर न्यू एंड एडजस्टमेंट लेयर एंड नेम दिस
SDR passes because we increase the sharpness. So go into the blend option and in the lighten option. So मैं यहाँ मेरे layer को lighten के option को select कर रहा हूँ. So now मैं यहाँ अनशार्प मास्क यूज़ करने वाला हूँ, अनशार्प मास्क, जिससे हमारा फुटेज, जिससे हमारा कैरेक्टर थोड़ा शार्प हो जाएगा. सी सी दिस, आई इंक्रीज दिस वैल्यू. आप अपने हिसाब से करिएगा, मैं इसे कम ही रखता हूँ, 60 मे बी. या ठीक है. सो अब मैं सेकंड एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ फॉर आवर मेन कलर करेक्शन. सो हियर वी आर, गेट अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड नेम इट सीसी. ठीक है. सो यह है मेन पार्ट हमारे सिनेमैटिक लुक को अचीव करने का. सो इन दिस एडजस्टमेंट लेयर, इन सीसी एडजस्टमेंट लेयर, सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है लेवल्स. सो ब्रिंग द लेवल्स प्लगइन. सो हियर इज द मैजिक हैपेंड. सो दिस इज द लेवल प्लगइन. सो यहाँ आपको जो ब्लैक का पॉइंट है वो वाइट के तरफ ड्रॉप करना है, स्लाइड करना है. ठीक है. सो हियर इज दी, हियर इज दिस हैपन. सो जो हमारी मेन लेयर थी, जो मेरी मेन लेयर थी मेरे शूट की, एंड जो हमने बैकग्राउंड लेयर ली थी, वो दोनों मर्ज हो चुके हैं अच्छी तरह. बट अभी यह कुछ ठीक नहीं लग रहा, जो कि है हमने जब इस लेवल को वाइट की तरफ बढ़ाया तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो गया, जिससे हमारा फुटेज थोड़ा शार्प लग रहा है, मतलब बुरा लग रहा है. तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है. जो हमारी मेन लेयर है सनी नाम की, जो माय मेन लेयर, यह मैं यूज़ करने वाला हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन. तो ब्रिंग डाउन दी मास्टर सैचुरेशन अबाउट 30, ओके, मे बी 25. सो हियर इज दी मैजिक हैपन. ओके. तो अभी बस हमने मेन लेयर को और बैकग्राउंड को मर्ज किया है. तो अब हम करने वाले हमारे गन फायरिंग सीन को, मजल फ्लैश को कॉम्प. सो ये रहा वो फाइनल तो नहीं, बट एक. सो अभी हमने सिर्फ हमारे मेन लेयर को एंड बैकग्राउंड को मर्ज किया है अच्छी तरह से, एंड हमारे जो स्मार्टफोन की फुटेज है उसे इन्हांस किया है. और अगर आप चाहो तो ब्यूटी बॉक्स में जाके यहाँ से स्मूदिंग अमाउंट बढ़ा सकते हो थोड़ा और स्मूथ दिखने के लिए. ठीक है. यहाँ से कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा इन्हांस कर देना, जिससे वो फेक ना लगे, थोड़ा रियलिस्टिक लगे. ठीक है. सो हियर इज दी अवर मेन, अवर फाइनल, नॉट फाइनल बट हाँ, इसके बाद हमें मेन कलर ग्रेडिंग आखिर में करेंगे, जब हम गन फायरिंग सीन को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद कलर ग्रेडिंग करेंगे मेन. ठीक है. सो हियर इज अवर फाइनल टच. तो मैं मेरे रिजोल्यूशन को हाफ कर रहा हूँ ताकि ये लैग ना मारे और मुझे प्रीव्यू में थोड़ी आसानी जाए. सो ये रहा वीडियो जहाँ तक हमने अभी काम किया है. एंड सो अब हम ऐड करने वाले हैं मजल फ्लैश हमारे गन फायर में. सो ये जो प्रीव्यू है, तो अब मैं वहाँ मार्क करूँगा जहाँ जहाँ मैंने गन को फायर किया है. जैसे यहाँ दो मार्क एंड यहाँ एक, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो मजल फ्लैश ऐड करते वक्त. ठीक है. सो आपको भी अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप मार्क करना होगा. तो मार्क कैसे करें, तो हमें स्टार दबा के मार्किंग करना होगा. सो स्टार. ठीक है. जहाँ भी हमने गन को फायर किया है, स्टार एंड स्टार. ठीक है. हमने
5 मार्क्स लगाए हैं जहाँ मैंने फायर किया है। थोड़े इधर उधर भी हो चलता, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। सो नाउ वी ऐड आवर मजल फ्लैशेस, द मेन पार्ट ऑफ आवर वीडियो। सो हियर वी ऐड आवर मजल फ्लैश, ठीक है। सो इस पॉइंट पे मुझे मेरा मजल फ्लैश ऐड करना है, ठीक है। सो ब्रिंग योर मजल फ्लैश इफेक्ट। सो ये रहे मेरे मजल फ्लैश, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टोटली फ्री। सो ब्रिंग योर मजल फ्लैशेस इनटू आफ्टर इफेक्ट। सो हियर इज़ अवर मजल फ्लैश। सो मैं इस वाले मजल फ्लैश को थर्ड वाले को यूज़ करने वाला हूँ। सो इसे वहाँ ला लीजिए जहाँ आपने मार्क किया है। तो मैं इसे इस पॉइंट पे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ मैंने गन को पीछे खींचा है, ठीक है, जहाँ से ब्लर हो रही है गन, ठीक है, यहाँ पे। सो इसे बराबर एडजस्ट करिए जहाँ आपकी गन है। सो आई विल एडजस्ट दैट इनटू माय गन। बट एडजस्ट करने के पहले जब आप किसी भी मजल फ्लैश को लाते हो तो उसे उसका ब्लेंड मोड ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, जो यहाँ ब्लेंड मोड है। सो यूज़ ऐड सेक्शन बिकॉज सी इफेक्ट, सी बिफोर आफ्टर, ठीक है, ये ब्लेंड हो जाता है आपके फुटेज के साथ। तो ये रहा हमारा मजल फ्लैश। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये टोटली हमारे कॉम के जैसे ऐसा दिखे, कॉम के हिसाब से दिखे, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने वहाँ ऐड मजल फ्लैश। सो अब देखते हैं प्रीव्यू। ओके सो सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा गलत मजल फ्लैश यूज़ किया है, मैं दूसरा मजल फ्लैश यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ द मजल फ्लैश आई यूज्ड नाउ। ओके, इस मजल फ्लैश को मैं यूज़ करने वाला हूँ। सॉरी, मैंने वो थोड़ा गलत मजल फ्लैश यूज़ कर लिया था। सो यह है एक बेस्ट मजल फ्लैश विथ स्मोक। इसे आपको बिल्कुल अपने गन के सामने ला लेना है जहाँ आप शूट कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स प्रीव्यू नाउ, ठीक है, देखिए, हियर इज द मैजिक हैपन। सो यहाँ मैंने दो बार फायर किया है, तो इसी मजल फ्लैश को तो याद रखना, इसका ब्लेंड मोड ऐड फॉर रखना जिससे ये हमारे फुटेज में ब्लेंड हो जाए, ठीक है। तो इसे मैं कलर करेक्शन के लेयर के नीचे ला रहा हूँ। सो यहाँ मैंने दो बार फायर किया है, तो मैं इसी मजल फ्लैश को डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड। सो यहाँ मैंने जब सेकंड बार फायर किया है ये, सो यहाँ एक बार मैंने फायर किया है एंड यहाँ मैंने एक और बार फायर किया है। तो इसे यहाँ ला लीजिए एंड इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए जिस डायरेक्शन में आपकी गन है, ठीक है। आप इसे मेन लेयर के पीछे भी रख सकते हैं जिससे आपकी गन, जिससे आप ये और रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। सो प्रीव्यू नाउ दिस, ठीक है, आप इसे भी अपने लेयर के नीचे ला सकते हो। सो हियर वी ऐड मजल फ्लैश इन आवर वीडियो। ठीक है, आप इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं चाहो तो, बट मैं इतना ही रह दूंगा, तो मुझे यही ठीक लग रहा है। सो हियर वी ऐड मजल फ्लैश इन आवर वीडियो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन मजल फ्लैश को वहाँ भी ऐड करना है जहाँ आपने मार्क किया है। सो
मैं अब यहाँ इसे ऐड करूँगा। सो इसी मेजल फ्लैश को डुप्लीकेट, ब्रिंग इट अपवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। सो मैं इसे यहाँ ऐड करूँगा जहाँ मैंने गन को फायर करा है। सो ब्रिंग इट देयर एंड राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थोड़ा रोटेट कीजिए ताकि गन के शेप में जाए, गन के सो हियर वी ऐड अनदर मजल फ्लैश इन आवर गन, ठीक है। सो लेट्स प्रीव्यू दैट। ओके सो सॉरी, मैंने यहाँ तो ऐड किया है बट मैंने यहाँ एक सामने भी फायर किया है, मैंने गलती से यहाँ छोड़ दिया था। तो मैं जो ये वाली मजल फ्लैश है सो इसे डिलीट मार दीजिएगा और जो अपने हॉरिजॉन्टल फ्लिप पहले से की थी उसे ही डुप्लीकेट करके सामने ला लेना। एंड अब मैं इसे यहाँ ऐड कर रहा हूँ एंड इसे सामने ला लेता हूँ, ठीक है। ओके सो हियर वी ऐड आवर मसल फ्लैश इन आवर वीडियो। सो दैट्स लुक क्वाइट रियलिस्टिक बट समथिंग इज मिसिंग। सो अभी एक चीज़ है जो हमें ऐड करना है एंड मैं यहाँ एक एंड में भी शूट करता हूँ। सो यहाँ का भी एक मजल फ्लैश मैं यूज़ करने वाला हूँ बट ये नहीं, क्योंकि हम फ्रंट टू कैमरा शूट कर रहे हैं, जो तो मैं इस मजल फ्लैश को यूज़ कर रहा हूँ जो फ्रंट फेस्ड है कैमरा के। अगेन गो टू ब्लेंड मोड एंड कन्वर्ट इट इनटू ऐड एंड पहले देख लो कि आप फायर कहाँ कर रहे हो। तो मैं यहाँ फायर कर रहा हूँ तो मैं उसे यहाँ ला लूँगा इस पॉइंट पर एंड देन एडजस्ट दिस साइज एंड पोजीशन ऑफ दिस मजल फ्लैश। सो दिट्स सो या वी मेक इट आवर मजल फ्लैश इफेक्ट। सो प्रीव्यू दिस। ओके तो ये कर लिया हमने हमारा वीडियो। सो ये हो गया हमारे मजल फ्लैश एडिट इनटू आवर गन फायरिंग इफेक्ट। सो लेट्स प्रीव्यू दिस ऑल वीडियो। सो एक और रियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए हम और एक स्टेप आगे जाएंगे। सो और एक रियलिज्म अचीव करने के लिए हम यहाँ यूज़ करने वाले एक एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। तो मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ। सो हियर वी आर। सो यहाँ मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ। सो गो टू लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। आप इसे ऊपर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ मुझे सिर्फ दो फ्रेम की एडजस्टमेंट लेयर चाहिए तो मैं इसे सिर्फ दो फ्रेम रहने दे रहा हूँ, दो या शायद दो फ्रेम, ठीक है, दो फ्रेम। एंड नाउ अब हम एडजस्टमेंट लेयर पे टिंट इफेक्ट यूज़ करेंगे। सो ब्रिंग इट टिंट एंड जो वाइट कलर है उसे हम मजल फ्लैश के कलर से मैच करेंगे। सो हियर इज द मजल फ्लैश इफेक्ट, ठीक है। एंड नाउ द ब्लेंड इफेक्ट शुड बी द सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट और ओवरले एंड ऑल्सो क्लियर क्लासिक कलर डॉच। एक्चुअली आई एम यूजिंग क्लासिक कलर डॉच बिकॉज इट्स लुक नेचुरल। सो यहाँ हमने
एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ली एंड उसमें एक टिंट यूज़ करके एंड ब्लेंड मोड क्लासिक कलर डॉज यूज़ करके एक रिफ्लेक्शन टाइप लेयर क्रिएट किए। एंड अब हम इसे वही यूज़ करेंगे जहाँ आपको लगता है कि एक गोली चलने पर रिफ्लेक्शन आता है। सो आई यूज़ फॉर द फेक रिफ्लेक्शन, सो आई मास्क दिस लेयर हियर। सो मैं यहाँ एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ओपन द मास्क प्रॉपर्टीज एंड मास्क फेदर, एक्सपांड मास्क फेदर, ठीक है। एंड जो सेकंड मास्क है वो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। सो क्रिएट अ मास्क अराउंड योर फेस एंड आल्सो मेक दिस फेदर एक्सपांडेड। सो इस दोनों मास्क के आपको फेदर बढ़ा देना है जिससे ये मर्ज हो जाए, जिससे शार्प ना लगे। तो अब यह एक और रियलिज्म अचीवमेंट हमने हासिल किया है कि जब मजल फ्लैश मतलब जब गन फायर होती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके हाथों पे या आपके फेस पे आ रहा है, जिससे देखने वाले को एक और रियल फील आता है, ठीक है। सो लेट्स ब्रिंग दिस लेयर ऑन द नेक्स्ट फायर। सो डुप्लीकेट दिस लेयर एंड ब्रिंग इट ऑन द नेक्स्ट फायर, ठीक है। सो मैंने यहाँ इसे फायर किया है तो ये मैं यहाँ रखूँगा। तो लेट्स प्रीव्यू दिस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और रियलिज्म लग रहा है जिससे हम जब फायर कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे फेस पे एंड हैंड पे आ रहा है, जिसे देखने वाले को रियली में लगेगा कि कोई गोली चली है। एंड वैसे ही हम इस लेयर को और डुप्लीकेट करके सामने ला लेंगे जहाँ हमने और एक फायर किया है, ठीक है। बट नाउ द मास्क हैज़ टोटली मेस्ड अप एंड इसमें आपको मास्क को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा मास्क में। सो इस मास्क को मैं यहाँ ला लेता हूँ मेरे फेस पे, ठीक है। एंड इस वाले मास्क को मैं यहाँ ला लेता हूँ मेरे हैंड पे। एडजस्ट द मास्क अराउंड योर हैंड एंड मे बी आई इंक्रीज द फेदर बिकॉज इट्स लुक सो हार्श, या दिस इज हियर, ओके। सो लेट्स प्रीव्यू दिस, सो लेट्स प्रीव्यू दिस, ओके। सो इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट करके सामने ला लूँगा जहाँ मैंने नेक्स्ट शॉट को फायर किया है, ओके। सो यहाँ भी थोड़ा सा आपको मास्क को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया और सेकंड मास्क यहाँ, ठीक है, ओके। सो हियर वी ऐड अवर मजल फ्लैश इनटू अवर गन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर मजल फ्लैश ऑन अवर फेस एंड हैंड। सो लेट्स प्रीव्यू दिस, ठीक है। सो यहाँ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ हमारा वीडियो ही एंड हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो बट मैं ऐड नहीं करने वाला रिफ्लेक्शन। सो मैंने सिर्फ आपको एक जस्ट बताया है कि आप रिफ्लेक्शन कैसे ऐड कर सकते हो, एक रियलिज्म कैसे अचीव कर सकते हो। सो हियर इज़ योर फाइनल वीडियो, सो हाउ टू ऐड मसल फ्लैश एंड अचीव सिनेमैटिक लुक बाय नॉर्मल वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट। सो बस अब जो लास्ट स्टेप है वो है कलर ग्रेडिंग। तो मैं इसको फुल पे कर देता हूँ बिकॉज कलर ग्रेडिंग। एंड हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो इस कंपोजिशन को, इस सिनेमैटिक लुक को अचीव करने के सबसे पहले आपको मतलब कॉम जब आप क्रिएट करते हो तभी मैं बताना भूल गया था, बट यहाँ जो कलर डेप्थ है
ये 32 पर करना है आपको। ये डिफ़ॉल्ट 8 बिट 8 पे रहता है, बट आपको इसमें जाके 32 पर करना है। एंड लेट दिस 32 एंड ओके, ठीक है। एंड मेक दिस फुल रेजोल्यूशन वेन्यू कलर ग्रेड फुटेज। सो कलर ग्रेडिंग के लिए मैं अब यूज़ करने वाला हूँ कर्व, एक्चुअली लुमेट्री कलर। सो फॉर यू गो टू इफेक्ट कलर करेक्शन लुमेट्री कलर, ठीक है। सो हियर वी आर इंक्रीज द टेम्परेचर लिटिल बिट एंड डिक्रीज द टिंट इन टू ग्रीनिश कलर लिटिल बिट, मे बी -2, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा हाईलाइट को कम करूँगा बिकॉज थोड़ा हार्श हो रहा है वो, एंड शेडो को भी थोड़ा डिक्रीज करूँगा, वाइट पार्ट को थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा। एंड नाउ आवर, तो अब हमारा मेन पार्ट है। तो अब हम जो मेन कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं वो है कलर व्हील्स, ठीक है। सो हियर इन वी आर कलर व्हील्स इन लुमेट्री कलर। तो यहाँ मैं शेडो को थोड़ा ग्रीनिश बनाने वाला हूँ, ग्रीनिश या थोड़ा सा सायन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये पूरा आप बिगाड़ दोगे ऐसा, ठीक है। इतना नहीं करना है, बस थोड़ा सा सरकाना है ग्रीनिश की तरफ, एंड जो शेडो है उसे थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। एंड जो मिड टोन है वो उठा लेने हैं, वो इंक्रीज़ करना है, एंड हाईलाइट को कम करना है, ठीक है। हाईलाइट आप थोड़ा वार्म भी रख सकते हो, एंड मिड टोन को आपको उठा लेना है, ठीक है। एंड हियर वी डन विथ आवर लिमिट्री कलर। सो हियर आवर 90% वीडियो कंप्लीट। सो ये रहा हमारा वीडियो जो 90% कंप्लीट हो चुका है। सो हियर इज द बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इस HDR पास को आप ऊपर ला लो इस पे, एंड इस फ्लेयर को भी आप ऊपर ला सकते हो। सो हियर वी आर कंप्लीट आवर फाइनल वीडियो। और अब टोटल वीडियो को मर्ज करने के लिए, मतलब कलर ग्रेडिंग को, इफ़ेक्ट्स को सब मर्ज करने के लिए और एक चीज़ करना बाकी है। सो यहाँ पे क्लिक करो आपके लेयर पैनल पे, एंड कंट्रोल ऑल करके राइट क्लिक एंड प्री कंपोज। सो प्री कंपोज 1, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन, एडजस्ट कंपोजिशन क्लिक करो एंड ओके। सो हमने टोटल लेयर्स को प्री कॉम कर लिया है, ठीक है। सो अब यहाँ कुछ दो चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी है। सो मैं यहाँ एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। सो न्यू लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। सो नेम दिस शार्पन, बिकॉज हम हमारे वीडियो को थोड़ा शार्प करने वाले। सो शार्पन प्लगइन एंड इंक्रीज लिटिल बिट, इट्स अपॉन 5 or 10, इट्स अपॉन यू ऑन एंड योर वीडियो, ठीक है। सो यहाँ हमने हमारे फुटेज को शार्प कर दिया है। एंड लास्ट मेन स्टेप टू मर्ज योर ऑल इफेक्ट्स, एंड तो उसके लिए मैं यहाँ एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, अगेन लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, एंड नेम दिस फिल्म ग्रेन, ओके। एंड अब यहाँ जो मैं प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ वो बिल्ड इन प्लगइन है आफ्टर इफेक्ट का, एड ग्रेन, ठीक है। सो इन दिस सेक्शन प्रीव्यू ब्रिंग द फाइनल आउटपुट, सो ये पूरे वीडियो पे आ जाएगा। एंड यहाँ आपको अब कुछ सेटिंग्स करनी है जिससे आपके टोटल इफेक्ट्स मर्ज हो जाएंगे, जिससे आपका वीडियो और थोड़ा रियल लगने वाला है। सो आपको इंटेंसिटी बहुत कम रखने की है, लाइक 0.1%, एंड द साइज ऑफ द ग्रेन इज 0.2। सो सी हियर, हियर इज द ग्रेन वी ऐड। सो सी हियर द लेयर्स ऑफ द लाइट। सो ये लाइट देखो कैसे अपने लेयर्स को बिखेर रहा है, जो हमारे वीडियो को थोड़ा ख़राब कर रहा है। सो ये ग्रेन क्या करते हैं, उसे मर्ज कर देते हैं हमारे वीडियो में। सो सी दिस,
So we merge the light and color grading into our video. That's the magic. So here is the final video. We make it in After Effects. Before, after. So ये बहुत ही एक छोटा step है but बहुत effective step है. So here is the video of our final video. तो ये था वो वीडियो जहाँ आप अचीव कर सकते हैं एक सिनेमैटिक लुक बाय कैप्चरिंग अ वीडियो थ्रू योर स्मार्टफोन. तो स्मार्टफोन के वीडियो से कैसे एक आप सिनेमैटिक लुक अचीव कर सकते हैं जस्ट कुछ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स से. सो ये था वो वीडियो जिससे आप सब बना सकते हैं एक लाइव एक्शन सीन विथ सम टेक्निक्स एंड योर स्मार्टफोन. तो देखो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट गिरता है हमारे एडिटिंग पर. हम बेटर से बेटर होते जाते हैं ऐसी नई नई और अलग अलग चीज़ें क्रिएट करने से. तो सीखते रहिए एंड क्रिएट समथिंग एपिक. सो फार तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए एज ऑलवेज कीप द आर्ट इन योर हार्ट.